हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा ने ओपन काउंसलिंग का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। तो जो भी लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में यूजी कोर्सेज में, पीजी कोर्सेज में और इंटीग्रेटेड कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं और जिन्होंने सीयूईटी पीजी का एग्जाम दिया था, सीयूईटी पीजी में अपीयर हुए थे, तो वो सब लोग यहाँ पर काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये है, जिन्होंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा का रजिस्ट्रेशन भी नहीं किया था और तब भी वो यहाँ पर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो वो लोग भी यहाँ पर फॉर्म जो ओपन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्या क्या प्रोसेस रहेगा काउंसलिंग का, कौन कौन लोग जा सकते हैं, इस बारे में मैं इस वीडियो में बात करूंगा। तो वीडियो को कंटिन्यू करें तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लो। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, वीडियो देख कर निकल लेते हो। लाइक जरूर करना है, लाइक भी तुम लोग नहीं करते हो, देखते हो और निकल जाते हो। और पॉसिबल हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर करना है। तो सबसे पहली चीज, तो कल 6th लिस्ट आई थी और मैंने कहा था कि 7th लिस्ट आ सकती है, पर 7th लिस्ट हरियाणा में आज तक कभी आई नहीं, 6th, 3rd, 4th भी कभी नहीं आई है। इन्होंने 3rd के बाद ही सीधी ओपन काउंसलिंग कराई है, तो परंतु इस बार तो ये 6 तक लेके आया है और उसके बाद ये ओपन काउंसलिंग हो रही है। क्या करना होगा, जिन भी स्टूडेंट्स ने पहले हरियाणा का रजिस्ट्रेशन नहीं करा था, हरियाणा में चाहे यूजी के लिए उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, चाहे पीजी के लिए उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, तो अगर वो फिजिकल काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, ओपन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो उन्हें रजिस्ट्रेशन फी पे करनी होगी 300 रुपीज़। ये जिस दिन ओपन काउंसलिंग होगी उस दिन भी कर सकते हैं, या उसके पहले भी वेबसाइट के ऊपर लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, उस लिंक पे को फॉलो कर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं काउंसलिंग के लिए। तो इसके लिए आपको साइट को कंटिन्यूसली विजिट करना होगा। जिन लोगों ने पहले ही समर्थ पोर्टल पर चाहे यूजी कोर्सेज के लिए चाहे पीजी कोर्सेज के लिए हरियाणा में रजिस्ट्रेशन किया हुआ था, उन्हें कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं देना है। इन केस यदि उन्हें कोई सीट अलॉट हो गई थी, यानी कि उन्होंने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया और उन्हें सीट अलॉट हो गई थी और उन्होंने फी पे नहीं की, तो उन्हें भी रजिस्टर करना होगा, उन्हें फी पे करनी होगी रजिस्ट्रेशन के लिए। और अगर उन्हें कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई थी तो उन्हें कोई भी फी पे नहीं करनी है। ये फी पेमेंट के लिए जो लिंक है, यानी कि जो रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक है ओपन काउंसलिंग वाला, ये वेबसाइट पर जल्दी ही जो है वो लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, जिसे फॉलो करके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या है वो मैं बता देता हूँ। 28 अगस्त को जो वेकेंट सीट्स हैं उनकी लिस्ट आ जाएगी वेबसाइट के ऊपर। उसके बाद जो फिजिकल काउंसलिंग है या ओपन काउंसलिंग है कंसर्न डिपार्टमेंट के अंदर, 31 अगस्त को ये काउंसलिंग होगी ना, सेव द डेट 31 अगस्त, 31 अगस्त को ये काउंसलिंग होगी। उसके बाद मेरिट लिस्ट जो रिलीज होगी, जो जो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेगा उसके बाद मेरिट लिस्ट जो रिलीज होगी वो 1 सितंबर को होगी, 1 सितंबर को मेरिट लिस्ट रिलीज होगी। 1 सितंबर से 3 सितंबर तक जिन भी लोगों का नाम आएगा लिस्ट के अंदर, उन्हें फी सबमिट करनी है। और अगर वो फी सबमिट नहीं करते हैं तो जो वेटिंग स्टूडेंट हैं, जो वेटिंग में रहेंगे, उनको एडमिशन ऑफर दे दिया जाएगा 4 सितंबर को। और जिनको वेटिंग लिस्ट वाले अगर क्लियर होते हैं 4 सितंबर को, तो उन्हें 4 से 6 सितंबर तक अपनी फीस पे करनी है। ठीक है, कौन कौन इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, तो सबसे पहली प्रायोरिटी जिन्होंने के पास सीयूईटी 2023 का वैलिड स्कोर कार्ड है और जिन्होंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है काउंसलिंग के लिए, उन्हें फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। सेकेंड नंबर पे द कैंडिडेट हैव वैलिड सीयूईटी 2023 स्कोर कार्ड बट did not register for counseling for Central University of Haryana shall be given second priority for admission. जिन्होंने हरियाणा में register नहीं किया था पर 2023 का उनके पास valid score card है, तो वो भी participate कर सकते हैं, पर वो second priority पे होंगे। First priority पे कौन होंगे, जिन्होंने पहले ही registration किया था। Third, जिनके पास CUET का score card नहीं है पर वो minimum eligibility criteria को meet करते हैं, तो वो भी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पर उन्हें थर्ड प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है, उन्हें थर्ड प्रायोरिटी दी जाएगी। तो ये डेट्स हैं, 28 तारीख को वेकेंट लिस्ट की डेट आ जाएगी, वेकेंट सीट्स की डेट आ जाएगी, 31 को आपको ओपन काउंसलिंग के लिए या ऐसा कह लें फिजिकल काउंसलिंग के लिए जाना है, 1 तारीख को मेरिट लिस्ट आएगी 1 सितंबर को, 1 सितंबर से 3 सितंबर तक आपको फी पे करना है। इनकेस आप फी पे नहीं करते हैं किसी भी कारण से, तो वो वेकेंट सीट हो जाएगी और उस वैकेंट सीट को वेटिंग लिस्ट वाले बच्चों को ऑफर कर दिया जाएगा जिन्हें फीस सबमिट करनी है 4 से 6 तारीख। तो इट इज़ ऑल अबाउट ओपन काउंसलिंग स्केड्यूल ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। तो जिन्होंने फॉर्म फिल किया था पहले,
और चाहे जिन्होंने फॉर्म फिल नहीं किया था, जिन्होंने फॉर्म फिल नहीं किया था वो अब रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का लिंक एक्टिवेट होगा कुछ एक दिनों में, वहां जाके आप एक्टिवेट कर सकते हैं। तो वीडियो को छोड़ने के पहले प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और पॉसिबल हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा।